मोबाइल फोन एक ऐसा गैजेट है, ये हमारी डेली रूटीन का एक हिस्सा है। हम अक्सर देखते हैं जब भी कोई मोबाइल इस्तेमाल करता है ना, तो इस तरह मोबाइल पे टेक्सटिंग कर रहा है, गर्दन इस तरह सर आगे को झुका के, और ज्यादा देर तक खड़े रहना है, या अगर कोई बैठ के कर रहा है तो इस पोजीशन में लोग बैठे रहते हैं और कितनी कितनी देर इस पोजीशन में गुजार देते हैं। ऐसे होता ही है कि गर्दन के जो ये वाले पट्टे हैं इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा शदीद खिंचाव आ जाता है, और ये जो साइड पर नसें हैं इसके ऊपर दबाव आ सकता है, डिस्क स्लिप हो सकती है, डिस्क हर्निएट हो सकती है, इस तरह का काफ़ी ज़्यादा इशू से गुजरना पड़ सकता है। तो मोबाइल फ़ोन चूंकि ऐसी रिक्वायरमेंट है कि इसे बिल्कुल नहीं छोड़ा जा सकता, इस्तेमाल करना ज़रूरी है, लेकिन इसका इस्तेमाल हमारी गर्दन के पट्टों के लिए नुकसान दे, तो इसका हल ही ये है कि हमने जब भी मोबाइल को इस्तेमाल करना है इसे फेस लेवल पर रखना है। उसका तरीकाकार ये है कि अगर आप इस तरह रख के फिरेंगे तो आपके बाजू थक जाएंगे। सही प्रॉपर वे ये है कि आपने मोबाइल को खड़े होकर पकड़ना है, तो एक हाथ इधर एक इधर इस पोजीशन में आपने मोबाइल को रखना है, ताकि आपके ये फेस के लेवल पे होनी चाहिए इसकी स्क्रीन, बेहतर है। अच्छा, अगर आप बैठ के करेंगे ऐसे बहुत ज़्यादा, अगर आपका बैठ के आप मोबाइल इस्तेमाल करना है, तो मैं यूजली ये जो आपका आर्म रेस्ट होता है इस पर हाथ रख के आप करें, फिर थक जाए तो दूसरा हाथ इस पर रख लें या इस पोजिशन पर रख लें। तो इस तरह अगर हम मोबाइल का इस्तेमाल करेंगे तो हमारी गर्दन के ऊपर दबाव बहुत कम आएगा, और कोशिश तो ये करें कि मोबाइल का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा नहीं करना, लेकिन अगर आपकी ज़रूरत ही इस तरह की है तो मोबाइल का इस्तेमाल करें, तो आपने इस पोजीशन में करना है, और कोशिश ये करनी है कि 20 मिनट से ज़्यादा आपने मोबाइल लगातार नहीं देखना। अगर 20 मिनट से ज़्यादा हो गए हैं तो हम मोबाइल रखें, थोड़ा सा रेस्ट करें, थोड़ा सा पानी का गिलास पिएं, दो चार कदम चल लें, ताकि हमारी स्पाइन का पोस्चर थोड़ा प्रॉपर हो सके, हमारे नसों पर दबाव कम आ सके। मेरा नाम है सलमान फिरोज, अस्सलाम वालेकुम।